मॉर्निंग टू ऑल माई डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आई गरिमा गिरोटी, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। चैप्टर नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। यू मे नो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। आप सबको पता है कि नाउन्स क्या हैं, एक नेमिंग वर्ड हैं। नाउन कैन बी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अभी तक हमने पढ़ा था कि नाउन जो है वो या तो कॉमन नाउन हो सकता है, नहीं तो वो प्रॉपर नाउन हो सकता है। कॉमन नाउन जो कॉमन हो, जैसे कि गर्ल, बॉय, लेडी, आंट, अंकल। एंड प्रॉपर नाउन अ स्पेसिफिक नेम जो गिवन होता है, जैसे कि स्नेहा वगैरह। ठीक है, लेट्स लर्न। नाउन कैन बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी तक जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे थे, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग। दीज आर नाउन दैट कैन बी सीन फिजिकली। दीज आर कॉन्क्रीट नाउन, जो नाउन फिजिकली जो हम देख सकते हैं, किसी को टच कर सकते हैं, वो होते हैं कॉन्क्रीट नाउन, जैसे कि पुलिसमैन, थिएटर, कैंगरू, बेंच। पुलिसमैन है, उनको हम देख सकते हैं, वो एक आदमी है। थिएटर, जैसे कि हमारे ये मूवी थिएटर हो गए, उनको भी हम अच्छे से देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग खड़ी है। कैंगरू इज़ द एनिमल एंड बेंच इज़ द थिंग। नाउन कैन ऑल्सो रेफर टू रिलेशनशिप। नाउन जो है वो रिलेशनशिप को भी रेफर करते हैं, क्वालिटीज़ को रेफ़र करते हैं, आइडियाज़ को रेफ़र करते हैं, थ्रू थ्योरीज़ को रेफ़र करते हैं, फीलिंग्स को रेफ़र करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कि आप किस स्टेट में हैं उसको रेफ़र करते हैं। सच नाउन आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन को क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैनॉट बी सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो कभी भी दिखते नहीं हैं, ना ही वो टच्ड हुए जाते हैं, ना ही वो सुनाई दिए जाते हैं, ना उनकी स्मेल होती है और ना ही उनका कोई टेस्ट होता है। एग्जांपल, जैसे हैप्पीनेस, खुशी। खुशी का ना हम कभी खुशी को छू सकते हैं, ना उसे स्मेल कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। बहादुरी को कभी हम छू नहीं सकते, कभी सुन नहीं सकते, कभी स्मेल नहीं कर सकते, कभी टेस्ट भी नहीं कर सकते। पेन दुख, जब हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है या आपको कहीं चोट लग जाती है तो आपको पेन होता है, तो क्या उस पेन को आप टच कर सकते हैं? नो। सुन सकते हैं? नो। लक, लक मीन्स जैसे आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या आप उनको, उस मेहनत को छू सकते हैं? नो। नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब आर यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, जो एडजेक्टिव और वर्ब वाले जो नाउन होते हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि ब्रेव, एडजेक्टिव हो गया ब्रेव, बहादुर। वर्ब क्या हो गई उसकी? ब्रेवरी। ठीक है, साइलेंट, चुप रहना, साइलेंस। दिस कैन समथिंग बी मेड बाय एडिंग, ये कुछ ऐसे बनते हैं कि ITY ऐड कर दी जाए उसमें, NESS ऐड कर दिया जाए, ENCE ऐड कर दिया जाए, या फिर TION ऐड कर दिया जाए। एग्जाम्पल, रेयर, रेयरिटी, हैप्पी, हैप्पीनेस, डिफरेंट, डिफरेंस, कलेक्ट, कलेक्शन। नाउ हेयर राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज कॉन्क्रीट नाउन और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, कॉन्क्रीट नाउन जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम टच, फील, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और उनको टेस्ट नहीं कर सकते। माई मॉम इज़ गोइंग टू डेंटिस्ट टुडे। अब डेंटिस्ट क्या है? हमारा कॉन्क्रीट नाउन है, एक फिजिकल, एक जीता जागता आदमी है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होते हैं आपको पता है? जो हमारा टेक केयर करते हैं टीथ की, टीथ की जो टेक केयर करते हैं उनको बोलते हैं डेंटिस्ट। तो दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? हमारी एक बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्टी एक ईमानदारी को बोला जाता है और इसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते। तो दिस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? ए किटन, द किटन लुक वेरी क्यूट।
वेरी क्यूट। अब किटन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कैसी लग रही हैं, क्यूट लग रही हैं। अब किटन को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सो वी विल राइट हियर कॉन्क्रीट। वी विश हिम लक फॉर हिज क्रिकेट मैच, हम उसको लक विश कर रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा करो। तो क्या आप इसको टच कर सकते हैं? नो, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीता विजिट हर अंकल लास्ट ईयर, दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। तेनाली केम अप विद अ ग्रेट आइडिया, आइडिया लेकर आई है वो, क्या आप आइडिया को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं? नो, सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस यू विल टेल मी योरसेल्फ, ओके। राइट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है जो अंडरलाइन एडजेक्टिव है उनका। ब्रेव, ब्रेवरी। रूड, रूडली। इनोसेंट, जेंटल, जेंटली। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। स्ट्रॉन्ग, एंग्री, एंग्रीली। हैप्पी, हैप्पीली। ओके,